से पारिवारिक विवाद मेमो से भाई की हत्या की। नागपुर रजनी थाना अंतर्गत पारिवारिक विवाद में दो युवकों ने मिलकर अपने ही मौसेरे भाई का गला चीर कर निर्मम हत्या की। मृतक का नाम हावरापेट निवासी रिंकू उर्फ डेनियल मोफनिक 24 वर्षीय बताया गया। आरोपी भगवान नगर निवासी रूपेन आद्रे सालवे को अरेस्ट कर दिया गया, जबकि उसका साथीदार कास कुलकर्णी उर्फ कुतर मारे फरार है। मिली जानकारी से पता चला है कि रिंकू शराब के नशे में अपनी मौसेरी बहन से मजाक बाजी कर रहा था। इस पर रूबेन और रिंकू के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट की गई। रिंकू को रूबेन और उसके साथी ने मार कर मौत के घाट उतारा। इस खूनी नहर में लाशों का मिलना जारी, सवालों के धरे में पुलिया। राजधानी के बवाना मुनक नहर में लाशों की मिलने का सिलसिला काफी पुराना है। बॉर्डर पर कोई जाल नहीं है, इसीलिए हरियाणा से भी काफी लाशें इस नहर में आती है। कच्चे मकान में सिलेंडर से लगी आग, कुछ ही पलों में सब कुछ हो गया तबाह। शुक्रवार को गांव भवाली में सिलेंडर फटने से आग लग गई, गरीब परिवार का सब तबाह हो गया। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।